शफरदी आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जो तुर्की में मौजूद अली विर्क से मुतालिक थी। अली विर्क एक यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ पर एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई कि वो जो तुर्किश लोग हैं वो पाकिस्तानियों से मुतालिक क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानियों से मुतालिक उनका क्या इस वक्त ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, उस वीडियो के बाद आज मैं एक बार फिर अली विर्क से मुतालिक ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अली विर्क जो है ना वो एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। उनकी जो वीडियोस हैं, यकीनन वो वीडियोस कुछ हद तक जो कुछ वीडियोस हैं मुझे काफ़ी मुतासर करती हैं। सो इसीलिए आज एक बार फिर मैं अली विर्क से मुतालिक ही वीडियो बना रहा हूँ। वो ये कि अली विर्क ने एक वीडियो बनाई कि ये एक दोस्तों दिलचस्प बात है कि आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखेंगे और उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। मैं इस वीडियो में कुछ सनसनीखेज इंकशाफात करूँगा कि जो अली विर्क ने किए, और उसके बाद ये वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और अली विर्क जो है एक नौजवान यूट्यूबर है और मेरे साथ उम्मीद है कि उनकी कोई खफगी नहीं होगी, कोई नाराज़ी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उनका नाम मैं अपनी प्रमोशन के लिए नहीं ले रहा, बल्कि मैं उनसे काफ़ी मुतासर हूँ और उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वो एक मुसबत काम कर रहे हैं, वो जिस किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं वो यकीनन आम दिलचस्पी के हवाले से बहुत मकबूल होते हैं। तो दोस्तों, वो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अली विर्क ने तुर्किश लोगों से मुतालिक एक वीडियो बनाई कि तुर्की के लोग, जब उसने कहा कि मैंने आईफोन दिखाया लोगों को कि ये आईफोन है और ये एक पानी की बॉटल है, यानी आपको अगर आईफोन दे दिया जाए तो क्या आप रोज़ा तोड़ देंगे, तो इस हवाले से दोस्तों काफ़ी लोगों ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया। कुछ लोग नाराज़ भी हुए, लेकिन यहाँ पर तुर्की के लोगों का एक बहुत अच्छा मिजाज भी है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हुए। अगर हम पानी की बाटा लेकर और एक फ़ोन लेकर बाज़ार में चले जाएँ और पाकिस्तान के लोगों को ये पेशकश करें कि हम आपको एक मोबाइल देंगे और आप क्या रोज़ा तोड़ देंगे, तो यकीनन दोस्तों हम लोग जो ईमान के हवाले से एक अजीब तरह का जहन रखते हैं, हम नाराज़ हो जाएंगे और फिर यकीनन हमारे लोग या जो रोज़ादार हैं या मुलायत जहन के लोग हैं वो लड़ने को चढ़ दौड़ेंगे। मैंने देखा कि अली विर्क के सवालों के जवाब, अली विर्क की बातों के जवाब तुर्किश लोगों ने बड़ी मेहनत रवि के साथ दिए, बड़े तहमल और बर्दबारी के साथ दिए, और ख़ूबसूरत अंदाज में उन्होंने अली विर्क के सवालों के जवाब दिए और अली विर्क की जो बात थी उसका बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। वो लोग इमोशनल नहीं हुए, वो लोग जज्बाती नहीं हुए। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि नहीं, आप ऐसे 10 मोबाइल फ़ोन दे दें फिर भी हम रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, आप ऐसे कई हज़ार मोबाइल फ़ोन देंगे फिर भी हम लोग रोज़ा नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की के लोग अकायद के हवाले से बड़े सीरियस हैं, लेकिन सीरियस इस हद तक नहीं कि वो लड़ने को चढ़ दौड़ें, बल्कि सीरियस इस हद तक के वो लोग बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब देते रहे अली विर्क को, और वो इस हवाले से बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं, ना कि वो मजहबी हवाले से, अकायद के हवाले से वो लोग इंतहा पसंद है, बल्कि उन लोगों ने जो भी जवाब दिया मुदल्लल अंदाज में दिया, नहीं हम क्यों रोज़ा तोड़ें, हम रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, हम कोई पागल तो नहीं हो गए कि रोज़ा तोड़ेंगे। यानी वो लोग जहाँ तक मजहबी शायर, वो लोग बड़े खूबसूरत अंदाज में तस्लीम करते हैं और मजहबी हवाले से वो लोग इंसानी जानों के दुश्मन भी नहीं हैं कि किसी भी छोटे से एतराज़ पर, किसी भी छोटे से ऑब्जेक्शन पर वो लोग लोगों को ही मारते फिरे, नहीं, उन लोगों ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ अली विर्क को जवाब दिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर अली विर्क की वैसे इस टॉपिक को, चूँकि ये ख़तरनाक टॉपिक है, लोग बड़े इंतहाई ख़तरनाक अंदाज़ में इसका जवाब देते हैं, अली विर्क ने जिस तरह से उन लोगों को जवाब दिया, बल्कि अली विर्क ने जिस तरह के सवाल किए, वो यकीनन तुर्की के मुआशरे को एक रोशन मुआशरा तस्लीम करवाते हैं। इससे साबित हुआ कि तुर्की का मुआशरा मजहबी हवाले से बड़ा अच्छा है, वो इंतहा पसंद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पिछली वीडियो में जो कि मैंने अली विर्क से मुतालिक बनाई थी और अली विर्क में जो एक ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तानों से मुतालिक, मैंने उस हवाले से ये भी कहा था कि तुर्की के हम लाजमी के
हम उसके हर तरह के जो नज़रियात हैं, हम तुर्की के जो हर तरह के जो उसके जो मामलात हैं उस पर हम लोग मुत्तफिक हूँ। लेकिन इस हवाले से मैं आज की जो वीडियो है इसमें मैं तुर्की के जो मिजाज को, तुर्की के लोगों के मिजाज को बड़ा खूबसूरत तस्लीम कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात तस्लीम करने की है उसे तस्लीम करता हूँ मैं, और जो बात तस्लीम करने की नहीं होती मैं उसे कतन तस्लीम नहीं करता। यानी तुर्की के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तुर्की के लोग जाहिल किस्म के मजहबी नहीं हैं, वो लोग ख़ुद को एक मज़हब का सतून भी नहीं करार देते, बल्कि वो लोग मज़हब को मज़हबी तसव्वुर करते हैं, दीन को दीन ही तसव्वुर करते हैं, ना कि मज़हब को इंसानी जानों के ज़ियाँ और इंसानी जानों के कत्ल का मंबा करार दें। यानी मैं यहाँ पर एक बार फिर दोस्तों इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुर्की के लोग मज़हबी हवाले से बड़ा खूबसूरत नज़रिया रखते हैं, बड़ा खूबसूरत माइंड सेट रखते हैं, ना कि हमारी तरह से वो लोग जिहाद के इस कदर शौकीन हों। यानी जिहाद का मतलब ये भी नहीं कि मैं जिहाद के ख़िलाफ़ बात करूँ, बल्कि हमने जिहाद का जो फ़र्ज़ी इसकी जो मानी है लिए हुए हैं, मैं उस फर्ज़ी मतलब उस फर्ज़ी डिक्शन से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो हम लोग जिहाद के माने लेते हैं। हम लोग तो एक दूसरे के फ़िरकों को भी काफिर करार देते हैं, एक दूसरे के फ़िरकों को भी हम लोग मुकम्मल तौर पर उसे नीस्त नाबूद करने के चक्र में होते हैं। फ़र्ज़ किया एक आदमी अगर कोई एंटी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है तो हम उसे मारने के दर पे हो जाते हैं, जबकि फ़िरके कभी एक दूसरे के एंटी इस कदर नहीं होते कि वो एक दूसरे के मर्डर करते फिरें, कि वो एक दूसरे का कत्ल करते फिरें। दोस्तों इस्लाम हमें मियाना रवि और तहम्मुल का सबक देता है।